स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एटी पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट की ड्राइंग बनाएंगे, जिसमें आपको प्लेट की थिकनेस कितनी गिवन है, 25 mm। ठीक है, तो सबसे पहले डबल रिवेटेड डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम दो प्लेट को एज से एज मिलाकर, ठीक है, हमने ये एक ऑरेंज कलर की प्लेट रखी है, एक ब्लू कलर की, दोनों प्लेट को किनारे से किनारा मिलाकर, और ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हो ये कवर प्लेट है, इनकी मदद और रिवेट की हेल्प से हमने इन दोनों मेन प्लेट को ज्वाइन करा रखा है। ये क्या होता है आपका, बट ज्वाइंट होता है। अब डबल रिवेटेड इसलिए है क्योंकि इसकी जो मेन प्लेट है उसके अंदर से जो रिवेट की रो है वो कितनी है हमारे पास, दो, हमने दो रो का यूज कर रखा है एक मेन प्लेट के अंदर। ठीक है, जैसे ये ऑरेंज प्लेट है इसके अंदर से रिवेट की कितनी रो गई है, दो। उसी तरीके से जैसे इधर ब्लू प्लेट है इसमें से कितनी रिवेट की कितनी रो है, दो। ठीक है, दो लाइनें यूज कर रखी हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डबल रिवेटेड। और डबल स्ट्रैप इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने कितनी कवर प्लेट का यूज कर रखा है, दो, एक ग्रीन प्लेट ऊपर है और एक ग्रीन प्लेट नीचे है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसलिए डबल स्ट्रैप डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट। तो ड्राइंग शीट पर ड्राइंग सोल्व करने से पहले क्या करना, आप ये सभी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, एक रो से दूसरी रो के बीच की दूरी होती है हमारी रो पिच होती है। तो ड्राइंग शीट पर किस प्रकार सोल्व करनी है देखते हैं। सबसे पहले आपको चार सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, बीच में जो गैप रखना वो कितना रखना आपको, 3D। ठीक है, 3D की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, वो कितने है आपके पास, 90 mm। उसके बाद इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में कितना गैप रखना है रो पिच के बराबर, 2D + 6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 66 mm। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से चार एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जो आपकी तीन प्लेट थी, तीनों प्लेट को ड्रॉ करोगे, बीच में आपकी ये मेन प्लेट होंगी, तो जिसकी थिकनेस हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी थी, 25 mm। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली जो लाइन है वो आपकी कवर प्लेट है, जिसकी थिकनेस हमने कैलकुलेट कर रखी है वो कितनी आई, 18 mm। तो ऊपर और नीचे वाली जो लाइनों का गैप है वो 18 mm रहेगा, बीच वाली दोनों लाइनों का गैप कितना रहेगा, 25 mm। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करोगे, इसको बीच में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करोगे, इधर से इसको बंद कर दोगे। ठीक है, ये बिल्कुल इन दोनों सेंट्रल एक्सिस के सेंटर पर रखना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो आपका रिवेट था आप रिवेट ड्रॉ करोगे, तो रिवेट का जो सेंक का डाया कितना था हमारे पास, 30 mm, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो आपको जितने चारों सेंट्रल एक्सिस के ऊपर आपने रिवेट के सेंक ड्रॉ कर देने हैं। अब आपको इनके ऊपर हेड ड्रॉ करना है, तो हेड ड्रॉ कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे, मार्किंग करोगे, आपको क्या करना है, इस पॉइंट से ऊपर कितना जाना है, 0.7D, डी की वैल्यू क्वेश्चन से रखोगे जो आपने कैलकुलेट की थी। तो इसको सोल्व करने के बाद ये कितना है हमारे पास, 21 mm। तो इस पॉइंट से ऊपर 21 mm की दूरी पर आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अब क्या करोगे, आपने 0.8D की दूरी लेनी है, 0.8D, 0.8D की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 mm। तो इस ग्रीन पॉइंट से नीचे 24 mm की दूरी पर, ठीक है, आपने ये जो ग्रीन पॉइंट मार्क किया था उससे नीचे कितना है, 24 mm। ठीक है, 0.8D जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 24 mm की दूरी पर इस तरीके से एक निशान लगा लेने हैं सभी रिवेट के अंदर। अब क्या करोगे, अपनी प्रकार यूज करोगे, प्रकार को इस बिंदु पर रखोगे और ये ग्रीन बिंदु, ठीक है, ग्रीन पॉइंट तक खोलकर इस तरीके से आपको अपना हेड ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सभी रिवेट के ऊपर आपने रिवेट हेड ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद क्या करोगे, अब इनको चारों तरफ से बंद करना है, तो आप अपना प्रोटेक्टर यूज करोगे, प्रोटेक्टर को सेंट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पर रखना आपको, 45 mm की दूरी पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेंट्रल एक्सिस से 45 mm की दूरी पर आना है, इस तरीके से आप अपनी डी रख लेनी है, और इसमें जो आपको एंगल बनाना है वो कितना, 100 डिग्री का। इसी प्रकार से इधर से आपको एंगल कितना बनाना है, 90 के बाद 10 डिग्री आगे 100 डिग्री का, इस तरफ से भी 100 डिग्री और इस तरफ से भी 100 डिग्री। तो इस तरीके से आपको चारों ये टेपर वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको इरेज करके और इसको इस तरफ से और इस तरफ से इसको आपको क्लोज कर देना है। जब आप इतनी ड्राइंग बना लो, अब आप क्या करना, इसके ऊपर सेंट्रल लाइन ड्रॉ करना। ठीक है,
सेंटर लाइन ये जो बीच की दूरी रहेगी वो आपकी पिच के बराबर होगी। पिच का फॉर्मूला कितना था हमारे पास, 3D, ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कितनी है 90 mm। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर तीन लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सेंटर लाइन। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करोगे, जो भी आपके सैंक का डाया था उसके अकॉर्डिंग। तो सैंक का डाया कितना था हमारे पास, 30 mm। तो आपको क्या करना है, प्रकार 15 mm के ओपन कर इस पॉइंट पर रखकर आपने सर्कल बना देने हैं, ठीक है। सभी सर्कल की रेडियस कितनी रखनी है आपको, 15 mm, ठीक है, क्योंकि रिवेट का डाया हमारे पास कितना था, 30 mm। तो आपको अपनी प्रकार 15 mm के ओपन करके सभी पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। ये सर्कल आपको डैश डैश में रखने हैं। उसके बाद क्या करो, प्रकार में ये वाली दूरी माप लोगे, ठीक है, ये वाली दूरी माप कर इस पॉइंट पर प्रकार रखकर ये बार वाले सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सभी पॉइंट से आपने ये सर्कल ड्रॉ कर देने हैं। उसके बाद क्या करोगे, ये बीच में जो लाइन है इसके यहां पर आप डैश डैश लाइन लगाओगे एक, इसके बिल्कुल सीध में। उसके बाद इस प्लेट को इधर से बंद करोगे इस प्रकार से, और इस ये वाली प्लेट कौन सी आपकी, ये वाली, ठीक है, तो आपको इसके बिल्कुल बराबर रखना है। और दूसरी प्लेट कौन सी आपकी, ये वाली जो मेन प्लेट है आपकी, इसको बिल्कुल इसके इक्वल रखना है, बिल्कुल बराबर सीध में रखना है। उसके बाद जो आपने ये टेपर वाला पार्ट बनाया था कवर प्लेट में, इससे नीचे प्रोजेक्टर लेकर आओगे बिल्कुल लाइट और हल्के, और उसको इस तरीके से चारों तरफ से बंद कर दोगे। तो बच्चों इस तरीके से आपका डबल रिवेटेड डबल स्टेप बट जॉइंट का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अंत में आपको क्या करना है, ये जो आपकी प्लेट थी इन सभी प्लेट में आप क्या करोगे, 45 डिग्री के एंगल पर हैचिंग लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो आइए बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आईटी संबंधित सब प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटी पाठशाला के साथ बने रहिए। थैंक यू।